कहेंगे कि मैम ये सब तो हमने पहले से सीखा हुआ है, पर फिर भी कभी कभी बच्चों के माइंड से स्लिप कर जाता है, बच्चे भूल जाते हैं, उन्हें मात्राएं याद नहीं रहती है ना। एक बार और मैं आपको ये रिवाइज करा देना चाहती हूँ ताकि आपको स्वर और उनसे बनने वाली मात्राएं और उन मात्राओं से बनने वाले शब्द पूरी तरह से क्या हो जाए, लर्न हो जाए। ठीक है, स्वर कौन कौन से हैं? नहीं आपने लिखना नहीं, अभी आप समझेंगे, लिखने का होमवर्क आपको अलग से मिलेगा, अलग से मिलेगा। ई ऊ ए आए, ओ ओ अंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा इसका उच्चारण आप लोग कैसे करते हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग और ये क्या है अह। इसको ऐसे भी बोलते हो, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ऊ ठीक है ना, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, जैसे आप बोलते आप लोग बोलते हो, ठीक है ना। पर इसको कम समय से क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो छोटी होती है जैसे अ, इसको बोलने में कम समय लग रहा, आ इसे बोलने में ज्यादा समय लग रहा है, इ ई इस ई को बोलने में, छोटी को बोलने में कम समय लगा, और बड़ी को बोलने में क्या लगा, ज्यादा समय लगा ना। छोटे ऊ को बोलने में कम समय लगा और बड़े ऊ को बोलने में ज्यादा समय लगा। री के री से ऋषि आप लोग बोलते हैं, है ना। यस मैम। आए ए को बोलने में कम समय लग रहा है, वही आए को बोलने में ज्यादा समय लग रहा है। ओ को बोलने में हमारे को फिर से कम समय लगा और औ को बोलने में ज्यादा समय लगा। और ये ठीक है, इतना आपको समझ आ गया बेटा। yes, ये निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। अब ये नहीं कि आप बी पहले लिख दोगे, आ बाद में लिख दोगे, ठीक है, ए पहले लिख दिया और जो आ है उसको आपने बाद में लिख दिया, ये ऐसे नहीं लिखे जाते। ये एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं, इनका एक क्रम बना हुआ है कि अ से स्टार्ट करेंगे और आ तक लिखेंगे, ठीक है ना। यस मैम। यस मैम। ऐसा कर लीजिए, समझ आ रहा है ना कि यस मैम है, एक निश्चित क्रम है, अ से लेकर अ तक लिखने का भी क्रम है, ऐसे ही क से लेकर ज्ञ तक भी लिखने का क्रम है। और जब हम ये अ से लेकर अ तक, क से लेकर ज्ञ तक, इन सबको एक निश्चित क्रम में लिखते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, वर्णमाला कहलाते हैं। अलग अलग हैं तो ये हमारे वर्ण हैं, और वही हमने वर्ण दो प्रकार के हो जाते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर हम अभी कर रहे हैं, अभी आपके क्लास के हिसाब से मैं आपको करवा रही हूँ, आपका केवल इतना ही करवाऊंगी स्वर तक, ठीक है। देखिए अब स्वर की मात्राएं, इनकी मात्राएं भी होती हैं। देखिए कैसे अ जो है, अ ज्यों का त्यों लिखा जाता है, यानी अ जो है ये ऐसे का ऐसे ही लिखा जाता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। आ जो है इसकी मात्रा होती है, इसकी मात्रा ये खड़ा डंडा है, ठीक है, खड़ी डंडी जो है ये क्या है, आ की मात्रा है। अब ये छोटी है, छोटी की मात्रा जो है ये है, ठीक है। बड़ी, बड़ी की मात्रा ये है हमारी, ठीक है। छोटा ऊ, छोटा ऊ की मात्रा कौन सी है, ऐसे। फिर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ की इस तरीके से। री, री की भी मात्रा होती है, वो होती है ये। एक की ये एक मात्रा होती है, और ऐ की वही दो मात्राएं हो जाती हैं। ओ की एक खड़ा डंडा ऊपर एक मात्रा, औ में
चार डंडा लगा के दो मात्राएं, और अंग में केवल यहाँ पर क्या आ जाती है, बिंदी आ जाती है। ठीक है, दिखाई दे रहा बेटा? यस मैम। हाँ, और अह जो है ये जो है ये विसर्ग बोले जाते हैं, इनका उच्चारण ह के रूप में होता है, तो इनका ये। ठीक है, समझ आ गया? अब देखिए हम स्वर जाना, स्वर से पढ़ने वाली मात्राएं जान ली। ठीक है, अब इन सब शब्द कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे। इन मात्राओं से शब्द बनाए जाते हैं ना, बनाए जाते हैं, जाते हैं। हमारे स्वर हैं, इनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप में करते हैं, पर जब हम वही व्यंजन को बोलते हैं तो व्यंजन को बोलने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की, यानी इन मात्राओं की। ठीक है, व्यंजनों के साथ, यानी व्यंजन के साथ इन स्वरों का उच्चारण होता है। समझ गए? अब कैसे होता है उसे आगे इनसे शब्द बनाना सीखेंगे। ध्यान से देखेंगे बच्चे, क्योंकि मैं घर से यही होमवर्क दूंगी अपने आप बनाने के लिए, आप लोग अपने आप घर से बनाने होंगे। ठीक है, अब देखिए मात्राएं की कौन कौन सी हैं। पहले देखेंगे अ, अ। अब बताइए अ से कौन कौन से आप शब्द बना सकते हो? अमर, वेरी गुड। अ की मात्रा नहीं होती है, ये ऐसे ही लिखा जाता है, अ म और र, क्या बन गया? अमर। ठीक है, और अमर। एक चीज और बेटा, जैसे क, घ, उन सब में ये अ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, क में अ की आवाज आ रही है, आ रही है ना बोलने पर? यस मैम। आ रही है या नहीं? आ रही है ना, क, घ, ठीक है, च, छ, सबके साथ इसी अ की आवाज आ रही है, आ रही है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो जैसे अब अमर हो गया, तो अब व्यंजन से कोई शब्द बनाओ, तो आप यूज करते हो उससे कोई शब्द बनाओ। अमर हो गया और कलश, कलश कलश और कमल, कमल तीन तीन शब्द बनाना है, तीन शब्द बनाना है। जितना आप एक पेज पे बना सको, दो तीन, जितना आप एक पेज पे आ जाए, वैसे तो तीन तीन बना लेना। ठीक है, अभी आप समझेंगे, अभी आप नहीं लिखेंगे, आपको मैं अलग से दूंगी, आप इससे अलग भी शब्द ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही लिखेंगे। अमर। अब यहाँ हम करेंगे आ की मात्रा, ये है आ, इसकी मात्रा कौन सी है? ये। ठीक है, अब आ की मात्रा लगा के शब्द बनाएंगे, बताइए। वेरी गुड। सबको पसंद है क्योंकि में आम का ही सीजन चल रहा है ना? यस मैम। आम फलों का राजा भी है, हैं? अखरोट। अखरोट कैसे बेटा, आ की मात्रा लगानी है, उसमें तो ओ की मात्रा का यूज करो अखरोट में। आ की मात्रा, किस मात्रा का प्रयोग करना है? आलू। यस मैम। आम हो गया, क्या बताइए? आलू। आलू नहीं बना बेटा, फिर लो में ऊ की मात्रा आ जा रही है, केवल हमें आ की मात्रा लगानी है। आलू। अभी सिर्फ आ की मात्रा लगानी है बेटा। आलू, आम, राम, काम, राजा, बाजा, है ना? ठीक है, मैं राम। हाँ, वेरी गुड। राम, नाम, नाम, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए आम हो गया, आम के बाद नाम, 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 ठीक है। फिर यही हम राम भी लिख सकते हैं, र, र में आ की मात्रा लगा दी, काम लगा दिया, तो क्या बन गया? राम। काम, शान, काम, ठीक है ना?
हमारी है छोटी की मात्रा छोटी की मात्रा, ठीक है। अभी इस मात्रा का प्रयोग करते हुए हमें शब्द बनाने हैं, बताइए छोटी की मात्रा और ये न क्या बन गया साइकिल है ना, हम बन गया ना दादा छोटी की मात्रा हमने लगाई है ना इधर से दिन, ठीक है। फिर र रमे छोटी की मात्रा रमे छोटी की मात्रा और न ये क्या बन गया रिन गिन, ठीक है। सितार समझ गए बिल भी लिख सकते हो ब ब में छोटी की मात्रा ला बिल। अब आ गया आपका बड़ी ई, बड़ी की मात्रा कौन सी है ये इधर से हाँ बेटा व्यंजन के साथ इसको मात्रा लगा के बनाना है तो इसके लिए क्या होगा छोटी से इमली होता है बेटा, बड़ी से कहाँ से इमली हो गया आपका। यहाँ देखिए इसमें क्या करेंगे र पर बड़ी रीत और क्या बोल रहे हो सीता बड़ी की मात्रा तो तमें आ की मात्रा क्या बन गया सीता बोल रही है। और कोई आपको कोई और शब्द याद आ रहा हो तो बोलो रीता भी हो सकता है और मैम गीता। अब क्रिएटिव बच्चे हो बेटा अब बोलो पानी वेरी गुड और अब देखिए छोटा ऊ ये है हमारा छोटा ये क्या है छोटा ऊ छोटी मात्रा हमारी ये है ये हमारी छोटी ऊ की मात्रा है छोटे उसे ऊन कहाँ से हो गया छोटे उसे ऊन कहाँ से मात्रा को प्रयोग करके बनाना है ये मात्रा लगा छोटे ऊ की मात्रा देखो एक मिनट बेटा परेशान मत हो हम बता रहे हैं हमें छोटा ऊ है छोटे ऊ की मात्रा ये है इस मात्रा को लगाना है बुन ब ब में छोटी उल्लू लिखा करी कली पली क्या होगा ब ब में छोटे ऊ की मात्रा न बुन और क्या होगा गुलाब जुलाई वेरी गुड की मात्रा ल आ की मात्रा और ब क्या बन गया जुलाई ये क्या बन गया पहले ये बताओ ये क्या बना है ग गम गुलाब अगला आप क्या बता रहे हो जुलाई जुलाई ना जुलाई बिल्कुल जुलाई की मात्रा दूध दूध में बड़े ऊ की मात्रा आती है बेटा जुलाई दूध में बड़े ऊ की मात्रा आती है जुआई जुताई जुलाई लिख ले और
सुन जुदाई हाँ जुदाई जुदाई हाँ बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं मैं हाँ मैं दुलाई हाँ बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो अब मैं हाँ अब इसके बाद करेंगे सॉरी छोटे हो की तो कर लिए ना मून गुलाब और जुलाई अब करेंगे हाँ बड़े हो की मात्रा ये है हमारा बड़ा हो ये क्या है बड़ा हो और बड़े हो की मात्रा कौन सी है ये ठीक है बड़े हो की मात्रा कौन सी है ये और उल्लू ठीक है ऊट शब्द बनाना है ठीक है ऊट भी लिख सकते हो पर आप किसी ध्यान से इस मात्रा का प्रयोग जून उल्लू हो गया आपका और फूल फॉर्म में बड़े की मात्रा फूल 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 सॉरी पुल पुल में तो छोटे की मात्रा आती है पुल पुल हाँ और मैं धूल हाँ बिल्कुल सही मेरी आवाज आ रही है अब इससे आगे करेंगे अब तक आपने कितना कर लिया बनने वाली मात्राएं और उनसे बनने वाले शब्द आपने कर लिए ठीक है अब इससे आगे का करेंगे समझ आया ना बेटा इतना हेलो बोलिए री अब क्या है री री की मात्रा हमारी कौन सी है ये जो पीछे से बार बार मैम मैम करे पहले वही बोलो बिल्कुल सही हाँ देखिए आगे हम लिखते हैं इससे बेटा देखो आप लोग इस तरीके से भी बनाते हो ऐसे करके भी ठीक है कोई ऐसे बनाते कोई इस तरीके से बनाता है ठीक है अब देखिए इसका क्या बनेगा घ हाँ में जब हम री की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा री क्या बन गया री री और री तो लिख दिया तो क्या बन गया कृष्णा अलग मात्रा वो र की मात्रा हो जाती है रे फो अलग हो जाता है कृष्णा वो अलग हो जाता है उसमें ये ने मात्रा नहीं लगेगी अम्मा में हम कौन सी मात्रा हाँ पृथ्वी भी बन जाएगी पृथ्वी हाँ ग्रीन ग्री की मात्रा और बन गया ग्री वेरी गुड हाँ मृत ठीक है अमृत मैं प्रीता मैम अमृत बिल्कुल सही है प्रीता प्रीता अब है
ए, इसकी मात्रा कौन सी है? ये वाली है इसकी मात्रा ए। मैम केला। बिल्कुल एकदम सही। कमें की मात्रा मैम से अथर्व बेटा मेरी आवाज सुन रहे हो? यस मैम। अथर्व बेटा आप बताओ ए की मात्रा लगा के और कोई शब्द बनाया जा सकता है? हाँ बोलिए। आपके चित्र नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा बेटा? यहाँ बेटा हमें ए सी डी को पढ़ते वक्त यूज करते हो ना, जब आपको सिखाया जाता है, जब आपको छोटा बड़ा सिखाया जाता है उस समय आपको हम सिखाते हैं कि अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, है ना। तो उस समय पर आज आपको हम ये मात्रा दे रहे हैं साथ में, इस मात्रा का प्रयोग कर ऐसे तो री से ऋषि भी होता है, पर री की हमारी मात्रा है ना, ये री शब्द से हमारी मात्रा बन रही है ना, उससे हमें शब्द बनाना था। अब हमें अल से बनाना है। अब ऐसे आप लोग एनक भी बोलते हो ना, पर यहाँ हमें बनाना है, हमें यहाँ अल की मात्रा का प्रयोग करते हुए शब्द बेटे आप चौखट बोल रहे हो, इसमें आप औ की मात्रा का प्रयोग करो, हमें अय की मात्रा का प्रयोग करना है। अय अय जैसे मैना, ठीक है। मैं बैल। बैल, वेरी गुड, बिल्कुल सही। सैर। ठीक है बेटा, समझ आ गया। अब देखिए उसकी मैं बताती हूँ आपको, बहुत कई बच्चों ने अच्छा बताया है। स समय आय की मात्रा और र सैर, ठीक है। ग, ग में आय की मात्रा और र गैर, ठीक है, समझ आ रहा ना? ये क्या हो रहा है? अपने आप ही यहाँ से वो होने लग जा रहा है, ये म्यूट वाले पे अपने आप ही चला जा रहा है कभी कभी बिना हिले। सैर, गैर, मैना, मैना, चैन, ठीक है, समझ आ गया ना? खैर, ठीक है, बैर, ये सब क्या है? आय की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। आगे देखिए, ए आय ओ, ये हमारा है ओ, और जो इसकी मात्रा है वो ये है, ये उसका चिन्ह है। सर ये देखना अपने आप क्या हो रहा है, ओखली। अपने आप स्क्रीन पे बच्चे दिखाने लग जा रहा, अपने आप कुछ भी होने लग जा रहा, ठीक है बेटा। अब ओ, हाँ, ओ से ओखली, वेरी गुड। ओखली, ओखली, और बोर, बोर, हाँ बोर भी हो जाएगा। बोर, बोर, ज, जमे ओ की मात्रा और भोला, 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 वेरी गुड, भोला, बिल्कुल सही, भोला, भोला, बोल भी हो सकता ना, ग, ग में ओ की मात्रा, हाँ गोरा, गोरा, हाँ, और बताइए, जोर, जोर, भोला,
भोर है ना, छोला झोला छोला, डोर ड ड डोर, ठीक है, मोला। बिल्कुल सही। अब बनाएंगे आओ। आओ जो है, आओ से जो मात्रा है हमारी, आओ की मात्रा जो है वो ये है, ये चिन्ह जो है मात्रा का चिन्ह हमारा आता है ये आओ का, ठीक है, एक खड़ी डंडी उसपे दो मात्राएं। अब आओ से क्या होता है, वैसे तो आओ से कहोगे ओ से ओखली, आपने बोल दी बेटा, आओ से औरत भी होता है, मैम औरत, वो ठीक है, उसके अलावा बताओ, औरत के अलावा मैम और, हाँ और चौखट, मोर, मोर आपका इसमें होगा ओ की मात्रा, हाँ चौखट, चौखट और अखरोट, नहीं अखरोट नहीं, तो ओ की मात्रा आ रही है, चौखट, चौकी, और चौकी, बेलना, लौकी, मैं लौकी, लौकी, वेरी गुड, हाँ लौकी हो जाए, मैम चौहान, चौहान, बिल्कुल सही, कौआ, चौहान, आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं बेटा, एकदम सही है, ठीक है, ये हो गया ओ, ओ, अंग, अब है आपका अंग, अंग का जो मात्रा चिन्ह है वो हमारा ये है, ये है, अब अंग का करेंगे, बिल्कुल सही बताया बेटा आपने, अब अंग का बताइए, अंग, हाँ नाम की बिल्ली का प्रयोग करते हुए, अंगूठी, हाँ बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो, लंगूर, अंगूर, रंग, लंगूर, हाँ और क्या बोल सकता है, अंगूठी, हाँ बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो, अंगूठी पे वो चंद्रबिंदु भी आ जाता है बाबू, में वो नहीं बोलना है, हमें ये देखना है अंक की मात्रा लगानी, केवल अंक की मात्रा, ठीक है, इमरान, हाँ बिल्कुल सही है, रंग, रंग, संग, ठीक है, इन सब पे ना की बिंदी लगती है, इमरान, इमरान जो रन, ना 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 उसमें उसमें अंक की बिंदी नहीं आती बेटा, जो आप रन लिख रहे हो उसमें अंक की बिंदी नहीं आती है, वो केवल र और न लिखा जाता है, पतंग, मैम पतंग, हाँ पतंग, मैम पतंग, बिल्कुल सही है, पतंग, सांग, शंख, बिल्कुल सही, आप लोग बनाइएगा और लिखिएगा, जब मैं आपको घर से होमवर्क दूंगी करने के लिए उसमें आप लोग लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद बेटा आपको ये अंग की बिंदी, आह, ये क्या है, आह, आह की जो हमारी जो चिन्ह बनता है वो ये दो बिंदियां हैं, इनका उच्चारण ह के रूप में होता है, ठीक है, किस रूप में होता है, ह के रूप में, अब इसको आप लोग देखिए, जैसे प, प में र की मात्रा, त और ह, प्रातः है, आ, ता, ता के पीछे हमने इसे लगा दिया तो क्या बन गया, आता है, ठीक है, प्रातः है, पुनः, पुनः, वेरी गुड, नहीं नहीं पुनः, पुनः, बिल्कुल सही है, ठीक है, अब आप लोग जो चंद्र बिंदु बोल रहे थे, चंद्र बिंदु देखिए बेटा अलग होती है, चंद्र बिंदु जो है उसका चिन्ह जो होता है, चंद्र बिंदु हमारा ये होता है,
ये चंद्र बिंदु है, ठीक है। अब इस चंद्र बिंदु से जो शब्द है वो कैसे बनाए जाते हैं? चांद। वेरी गुड। और मांद। मांद, इसका मतलब आप लोग ने पाठ हद तक पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा था कि आपको शब्द भी याद हो गए हैं। है नहीं, मां में तो नहीं होगा, मां में नहीं, चंद्र बिंदु लगानी है बेटा हमें, चांद मांद। बताइए मम्मा। आँख। आँख, वेरी गुड। आँख। है सांप था, सांप बिल्कुल सही है। और एक जो र की मात्रा आप लोग बता रहे थे, मैं र वाली र भी आपको सिखा देती हूँ। र जो है वो री को आप लोग र बना रहे थे, वो र नहीं था बेटा, वो री थी। र की मात्रा ये ऐसे वाली आती है, इस तरीके की तिरछी होती है, उसे कैसे लिखते हैं? जैसे प और र, क्या बन गया? प्र। क को में आ की मात्रा और ल क्या बन गया? प्रकाश, ठीक है। प्रकाश, प्रकाश, वेरी गुड। और क्रम, क को में र की मात्रा और म क्रम, ठीक है। एक र की मात्रा ये ऊपर से, एक तो र की नीचे लगती है और दूसरी र की ऊपर से लगती है, इसको कैसे लिखते हैं? कर्म। कर्म जब हम बोलेंगे तो कर्म, ठीक है, क के बाद र की आवाज आ रही है ना, तो कर्म। यस मैम। मर्म, तो मर्म यानी म के बाद र की आवाज आई तो वो र इसके ऊपर लगेगा कि दूसरे वाले म के पर। मर्म। धर्म, इस तरीके से। बोलो बच्चे, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही बेटा, बोलो। दर्पण। दर्पण, हाँ बिल्कुल सही, दर्पण। मैम दर्पण, ठीक है, दर्पण। मैम अर्पण। अर्पण, हाँ अर्पण भी हो जाएगा। मैम अर्पण, हाँ अर्पण। मैं आपका फेस नहीं आ रहा है। हाँ बेटा, मैं आपकी तरफ घूमूंगी तभी तो आएगा, ठीक है। मैम काला काला आ रहा है, मैम नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, मैम बोर्ड भी नहीं आ रहा है, अब नहीं आ रहा है। नो मैम, नहीं आ रहा। आ रहा है, क्या हो? बिल्कुल नहीं आ रहा बेटा। नो मैम, नो मैम। अच्छा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? यस मैम, यस मैम। तो आप लोग मेरी एक बार ध्यान से सुनिए, अब तक मैंने जितना ही आपको सिखाया है मात्रा और इनसे बनने वाले शब्द, आपको सब समझ आ गए? आगे आपको अगली क्लास में जब आप जाएंगे तो ये आपको डिटेल में पढ़ने मिलेंगे, उसमें आपको मात्राएं कैसे शब्दों के साथ जोड़ी जाती है ये भी सिखाया जाएगा। मैम उसको हाँ, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो भी सिखा दूंगी, ठीक है। यस मैम, मैंने आपको मात्राएं उनसे बनने वाले शब्द बताए हैं, केवल शब्द बताए हैं, अब मात्राएं कैसे उसके साथ में जोड़ी जाती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जो हमें भेजा जाता है उसे आप लोग डेली किया करो, कोई भी काम पेंडिंग मत छोड़ो। यस मैम। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ मैम पूछना है। बोलिए बेटा। मैं स्कूल का यक लेगा। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे हैं आप? स्कूल का खुलेगा। स्कूल बेटा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जब भी खुलेगा, ठीक है ना। अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं जो कंडीशन है, बाकी स्कूल जब भी खुलेगा आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसकी,
तब तक आप लोग मत समझिए, इस ऑनलाइन क्लास को आप लोग बेकार मत समझिए, ये मत सोचिए कि आपके साथ कोई खिलवाड़ है, आपको सीरियस होकर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? यस मैम, यस मैम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम आपको नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको समझाऊंगी मैं, ठीक है? तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम।